जो डॉलर कॉलोनी से हम लोगों ने पुरस्कार चुराया था वो कहाँ रखा तुमने? हाँ पुरस्कार, हाँ वही जो तुमने मुझे एक घर पर लेकर गए थे चोरी कराने के लिए। जब हम सेकंड शो से वापस आ रहे थे वो घर पूरा बुक्स और मेडल से भरा हुआ था। मुझे वो चाहिए, तुमने कहाँ रखा जल्दी से बताओ तुम। वो वाला? हाँ। मंडे को मेकअप कृष्णा घर आया था पीके। हाँ। कहीं वो तो लेकर नहीं गया? हाँ हाँ मेरे साथ था। आ, अरे अरे क्या हुआ बता दो। हे मीरा वो देख वो रहा मेडल। हाँ? उसको कैसे मिल गया? हे देख वो मेडल कहाँ डाला है। अरे आप अपना गाना बंद भी करो, जब तक गाना खत्म होगा तब तक वो हिरण चित्रकूट तक पहुंच जाएगा। लास्ट बस जाने से पहले तुम जाके उस हिरण को पकड़ो, समझे? अगर मर्द हो तो पकड़ के दिखाओ। उसको उकसाओ मत, वो करके दिखा देगा। तुम्हें हारना नहीं है, वो कल ही लाके देगा। अरे लक्ष्मण। हाँ भाई। आ इधर आओ। क्या बात है भाई? जब तक मैं वापस ना आऊँ तुम इस कुटिया को छोड़कर मत जाना। ठीक है भाई, आप अपने ख्याल रखना। सीते मैं जा रहा हूँ हिरण लेने। लक्ष्मण तुम ध्यान रखना जंगली जानवरों से। मीरा वो जा रहा है, चल उसे पकड़ते हैं, नहीं तो भाग जाएगा। चल। अरे हट सामने से। ए, वो मेरा फोन नहीं उठा रहा है, मुझे पता नहीं आखिर वो है कहाँ पर। उसकी तो टांग तोड़ दूंगा मैं, हरामखोर। मैं उसको सबक सिखाऊंगा, उस उल्लू से तो मैं थक गया। प्रमु, ए, प्रमु, ए, ए, अरे हाँ चले करो। चलो इससे रुक जाओ, पीछा करो। शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। अच्छा सुनो, तुमने किसी से प्यार किया होता तो तुम अपने पति से भाग सकती थी। मैं एक लड़के से प्यार करती थी पर उस लड़के ने मुझे धोखा दे दिया। हाँ? हाँ। हमको मिले घड़िया। हे, तुम्हें ये गाना कैसे आता है? हाँ? कौन सा गाना? अभी जो गा रही थी वो गाना कैसे आता है? क्या मैं गाना गा रही थी? अरे अभी तो तुमने गाया ना वो गाना। हाँ क्या? मुझे नहीं पता, कभी कभी मुझे एक गाना याद आ जाता है तो मैं गुनगुनाने लगती हूँ, बाद में भूल जाती हूँ। हे, तुम्हारा नाम साक्षी, साक्षी डिसूजा है। तुम्हारे पिताजी का नाम प्रोफेसर डिसूजा है, वो डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल है। तुम इस कॉलेज में गई थी, याद है ना? याद है, याद है, बोलो बोलो। अरे चिल्लाओ मत, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा नाम साक्षी है? यहाँ पे सभी लोग मुझे पद्मा कह के बुलाते हैं। तुमने भी तो सुना ना, मेडिकल रिपोर्ट में भी पद्मा लिखा है। अच्छा ये साक्षी कौन है? सर। हाँ 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 बिल्कुल सर। हाँ ठीक है, वो मिसिंग केस वाली लड़की सर, ये वही मिसिंग केस वाली लड़की है। आ रही है। हाँ सर। क्या बात कर रहे हैं? तुमको नहीं बोल रहा हूँ, जाओ जाओ लड़की को पकड़ो। जाओ वो लड़की गई है, वो जाने वाली कर रहा था। हटने दो मेरे सर। सर मेरा ड्रामा था, जाने दो। क्यों पकड़ रहे हो? अरे सर सर्कल के पास जाओ, चलो यार। ए परमो, अरे किधर है? अरे पुलिस बाइक तो इधर है। चल 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 पुलिस। हां चल निकल निकल निकल। हां पुलिस सॉरी सॉरी। हे मेरा दिल भी टूट गया है, उसे भी सिल दो ना, मैं तुम्हें बहुत दुआ दूंगा। पद्मा, हे पद्मा, पद्मा, मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। और दरवाजा तुम्हारे गैंग में, तुम्हारे गैंग का लीडर कौन है? दरवाजा
मैंगलोर का छोड़ केरला कहाँ से हो तुम? सर मुझे समझ नहीं आ रहा ये सब आप क्या कह रहे हैं सर? कहाँ से हो तुम बता रहे हैं? माँ मुझे पता नहीं ये लोग क्या बोल रहे हैं माँ, पता नहीं कौन सी बात कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हम लोग तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं, हर जगह ढूंढ रहे हैं। अरे पद्मा, अरे दरवाजा खोल दो पद्मा। कहाँ थी तुम पूरी रात? मैं तुम्हें ढूंढती रही। अरे सर नीचे बुला रहे हैं, चलो कदम मत रखना, चले जाओ तुम यहाँ से, जाओ यहाँ से, निकलो, निकल जाओ यहाँ से। अरे पद्मा, अरे पद्मा भूल जा, क्या तुम्हारे पास टाइम्स ऑफ इंडिया पेपर आता है? अरे मैं तोड़ दूंगा दरवाजा। हे पद्मा, अरे पद्मा, हे पद्मा, अरे तुम हमारी एक ही लड़की हो और तुम्हें बहुत ही मुसीबतों से पाल रहे हैं हमने। पद्मा, अरे पद्मा कर क्या रही हो आखिर तुम? वो छोटू तुम्हारे घर पे, तुम्हारे घर पे पेपर डालता था। ये बेकार औरत भी, तोड़ता हूँ, तोड़ता हूँ। मैंने फूल बेच के तुझे पाला है, तुम कहाँ थी बताती क्यों नहीं? पद्मा सुनो, पद्मा क्या तुमने किसी के सामने पूरे कपड़े खोले हैं? मेरा मतलब है क्या तुम्हें किसी ने बिना कपड़े के देखे? मेरा मतलब है कि जब तुम नहा रही थी खिड़की से उस वक्त किसी ने देखा? अरे मेरे घर की परीक्षा ले रहे हो, किसी ने तुम्हारा वीडियो बनाया क्या? और वो वीडियो वायरल हुआ और तुम्हारा घर पे झगड़ा हुआ? बोलो, अरे कुछ नहीं पता पद्मा, अंदर मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या बोल रहे हो। ओ नो नो नो, लेकिन तुमने हमारी इज्जत पूरी मिट्टी में मिला दी। दरवाजा खोलो, बर्बाद कर दूंगा। स्टेशन चलना होगा, स्टेशन चलना होगा। पहले एफआईआर होगा, तुम्हारे नाम साइन करने होंगे, हो सकता है। चलो ठीक है, चलो 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 चलो, ऐसे घर से बिना बताए भाग जाती हो। चुप रहिए। देखो मैं किसी लड़के के साथ नहीं भागी थी। अरे पद्मा, सीरियल का ऑडिशन देने के लिए खोल, बैंगलोर गई थी मैं, खोल। बस इतना ही, नहीं खोलेगी ना ये? और कहीं नहीं गई थी, तोड़ रहा हूँ मैं। अगर मैं तुमसे कहती कि सीरियल का ऑडिशन देने जा रही हूँ तो तुम मुझे भेजती क्या? नहीं ना। और पुलिस वाले, हे पद्मा, मुझे तो लगता है कि तुम लोग पूरी तरह से अंधे हो गए हो। सब लोग बस पद्मश्री मेडल के बारे में बात ही किए जा रहे हो। वो देखो, वो पद्मश्री मेडल को अपने कमर में बांधे हुए। पद्मश्री मेडल दिख नहीं रहा है क्या? जाके पकड़ो ना उसे। पद्मश्री है यहाँ, खड़े होके प्रवचन दे रहे हैं। चलो ठीक है। अरे दरवाजा है, हां इधर आ गया। अरे बहुत तक कर रहे हैं, चलो 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 चलो। पद्मश्री, हाँ साहब को चलो, चलो 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 सर। हाँ मुझे पद्मश्री मिल गया सर। तुझे कौन देगा रे? माला श्री पिक्चर की टिकट नहीं मिलेगी तुम्हें, पद्मश्री कहाँ से मिलेगा? मुझे मिल गया सर। हाँ सर, हमने इसे ढूंढा है सर, इसके लिए हमारी तारीफ नहीं होगी क्या सर? मिल गया, ये देखो। अच्छा ये बात है सर, अभी आया। अरे रुक, अरे सुनो सर। सर पद्मा, अगर तुम दरवाजा नहीं खोलोगी मैं तुम्हें मार डालूंगा। ए बीच में क्या कर रही हो? चलो हटो, रास्ता दो। समझ भी नहीं आता। ये देखो पद्मश्री। हाँ सर, ये बहुत अनमोल चीज है सर। अच्छा यही है क्या पद्मश्री? लाओ तो। टीवी में भी देखा गया। ए, इन सब को पुलिस स्टेशन लेकर चलो। ठीक है सर। साथ में इस लड़की को भी ले चलो। ठीक है सर। हेलो, हाँ सर, हमें मिल गया सर, वही त्रिशंकु पद्मश्री सर। हाँ सर, सर मैंने एक सैंडल किया है। हाँ हाँ सर, सर 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 एक मिनट सर, सर मैंने एक सैंडल किया है, मेरे ऊपर ध्यान रखिएगा सर। एक चीज के लिए हमारी तारीफ नहीं होगी? अरे हमने उसके साथ सेल्फी भी नहीं ली यार, और तुमने उन्हें दे दिया, अब क्या कर सकते हैं? चलो चलो यहाँ से अब। अरे दरवाजा खोल पद्मा, दरवाजा। महाराज श्री रामचंद्र, पुलिस स्टेशन चलो, हम सब साथ में एक्टिंग करेंगे। तुमने एक नाम बोला था ना, क्या था? हाँ साक्षी, तुम मुझे उसी नाम से बुलाना। सर एक मिनट सर, सर मुझे एक फैसला लेना है सर, वो अंदर एक आदमी के साथ है सर। उसके माता पिता आज से मेरे माता पिता, और तुमने मैंगलोर कहा था ना? हाँ मैं मैंगलोर से हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता क्यों किसके साथ है, तुम हमारे साथ चलो ठीक है? अगर तुम दरवाजा तोड़ोगे तो तुम्हारे पर केस बन जाएगा। और मैं मजाक करना छोड़ दूंगी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, ठीक है ना?
प्लीज बुरा मत मानना तो। सर मुझे एक मिनट दीजिए सर, एक मिनट केवल। अरे तुम्हें पता है पंचरी लेके चले गए यार। सुनो मेरी बातों का बुरा मत मानना प्लीज प्लीज। सच में ड्रामा कर रहा है, इसके ड्रामा के चक्कर में हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। तुम सच में साक्षी हो ना? अरे एक मिनट, ये कुछ नहीं है, मैं संभालता हूँ। सुनो मुझे याद आ गया, तुमने बोला ना मैं गाना गा रही थी, मुझे याद आ गया, मैं गाऊं? हाँ गाऊं क्या? गाऊं मैं? सर केवल एक मिनट, सर एक मिनट, सर हम नहीं सुनेंगे। कि फिर ये हंसी रात वीडियो वीडियो नहीं बनाया साक्षी, मेरा यकीन करो साक्षी, बस तुम्हें मुझे बचा सकते हो साक्षी प्लीज, मैंने वो वीडियो नहीं बनाया था साक्षी प्लीज, मेरी बात साक्षी प्लीज, मेरी बात सुनो, मेरा यकीन करो साक्षी साक्षी। बोल क्या है परम, दोबारा बारह जल्दी बारह बारह क्या हो गया भाई? तुम्हारी एंट्री है, जल्दी आओ, आओ जल्दी जल्दी, जल्दी जाओ यहाँ से, सुनिए आप क्या कर रहे हैं, आपने गलत जगह एंट्री लिया, बाहर जाइए बाहर, अरे जाओ ना, चाहिए निकालो इसे, चाहिए बाहर, अरे क्या कर रहे हो, प्रभु रक्षा करना, हे प्रभु रक्षा करना, प्रभु प्रभु रक्षा करना, प्रभु माते हे माते, अरे भाई तेरी एंट्री बाहर है यार, तेरे को समझ क्यों नहीं आ रहा, माते माते तुम्हारी एंट्री नहीं है, जाओ जाओ यहाँ से, इस तरफ चलते हैं। हाँ हो गया ना, हाँ ले लीजिए, हाँ ठीक है, हाँ लीजिए टिकट, हाँ सुनो भाई, जिंदगी के नाटक में हम लोग जो किरदार निभाते हैं सबके पास अपनी एंट्री और एग्जिट होती है। टिकट बस कहाँ जा रही है? हाँ बस तो आखिरी में ही जाएगी, तुम कहाँ जाओगे वो तो बताओ भाई। हम एंट्री मारते हैं जब हमारी बारी आती है और एग्जिट करते हैं जब हमारा रोल खत्म होता है। ये बस जहाँ जा रही है वहाँ का आखिरी टिकट दीजिए। हाँ ठीक है देता हूँ, ये लो छुट्टा बाद में देता हूँ, ठीक है। अगर हम गलत टाइम में एंट्री ले लेंगे तो बहुत सारी गलत फहमियाँ हो सकती हैं, मेरी ये कहानी इसका सबूत है। यहाँ बोलो आ, आ, आ। गुरु मैंने तुमको कहीं तो देखा है, हाँ
साक्षी परम को कैसे मिली, साक्षी पद्मा कैसे बनी और प्रोफेसर डिसूजा का आखिर क्या हुआ? मुझे जो साक्षी मिली वो सच में साक्षी ही थी, और आखिर मैं पुलिस से बचा कैसे? मेरी ये कहानी अभी अधूरी है और हमारे जैसे लड़कों की कहानी अक्सर अधूरी ही रहती है।